जिज्ञास मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है स्वागत है आप सभी का दिव्य में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज हमारे इस लाइव चर्चा का है प्रकृति के वश कर्म करता तो प्रकृति के वश जीव कर्म करता है प्रकृति के वश जीव कैसे कर्म करता है ये चर्चा कहां से शुरू होती है कि जीव का कर्म क्या उसकी अपनी इच्छा से है जीव का कर्म क्या उसकी अपनी इच्छा से है नहीं जीव का कर्म उसकी अपनी इच्छा से नहीं है तो फिर जीव का कर्म कैसे है किस प्रकार है जीव कैसे कर्म कर रहा है किसकी इच्छा से कर्म कर रहा है किसकी इच्छा कार्य कर रही है और फिर जीव अनेकों कर्म कर रहा है में पाप भी है पुण्य भी है अच्छा बुरा सब कुछ है तो जीव का जो कर्म है प्रकृति के वश में है प्रकृति के वश में जीव का संपूर्ण कर्म है और जीव की जितनी इच्छाएं हैं वह भी प्रकृति के अब ये कैसे जैसे कि अगर हमें भूख लग गई और हमें भोजन करना है तो भूख लगना और भोजन करना या दोनों ही विवशता कृति के बंधन में ही संभव है प्रकृति ही इसके लिए विवश करती है कि आप भोजन करो प्रकृति ही आपको विवश करती है कि आप खाना खाओ प्रकृति ही आपको विवश करती है कि आप ऐसा करो वैसा करो ठीक है और फिर प्रकृति ही आपको विवश करती है कि मोक्ष की ओर जाओ इतनी विचित्र बात है कि प्रकृति ही विवश करती है कि तुम वह स्वादिष्ट भोजन करो प्रकृति ही तुम्हें विवश करती है कि तुम शादी ब्याह करो प्रकृति ही तुम्हें विवश करती है कि तुम संतान की उत्पत्ति करो प्रकृति ही तुम्हें विवश करती है कि तुम ये करो वो करो नेता बन जाओ पूरी दुनिया पे तुम्हारा राज चले पूरी सब कुछ तुम्हारे वश में हो जाए सब तुम्हारे कंट्रोल में हो जाए तुम ये भी कर लो तुम वो भी कर लो सारे सुख भी भोग लो सारे सुख भी भोग लो संसार के शरीर के रुतबा हो तुम्हारा पैसा हो सब कुछ हो तुम कर लो या ना करो फिर भी समस्या ये है कि तुम सुखी नहीं हो फिर अपने आप प्रकृति का रहस्य हमें और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता गुण की वृद्धि जब होती है और जब समझ में आता है कि हमारा जीवन क्या है अब ये जीवन क्या है इसका ज्ञान भी प्रकृति ही देती है का ज्ञान भी प्रकृति ही देती है जीवन में संसार में सब नश्वर है संसार में सब क्षणिक है क्षणिकवाद संसार में सब क्षणिक है कुछ भी टिकने वाला नहीं आने वाला पल जाने वाला है ये ज्ञान भी तो प्रकृति ही देती है ये ज्ञान भी तो प्रकृति ही देती है हमें मुक्त होना चाहिए हमें मोक्ष चाहिए हमें मोक्ष चाहिए, चाहिए हमें मुक्ति चाहिए यह इच्छा भी प्रकृति पैदा करती यह इच्छा भी प्रकृति ही पैदा करती लेकिन यह इच्छा प्रकृति ज्ञान से उत्पन्न करती है ज्ञान देकर उत्पन्न करती है यह संसार नश्वर है संसार परिवर्तनशील है संसार में बदलाव आ रहा है यह सब ज्ञान भी प्रकृति ही देती है तो जो मनुष्य का जीवन है जो जीव है या जीव का जो जीवन है जीवन जीव का होता है इसीलिए उसे हम जीवन कहते हैं तो वह सब प्रकृति के वश में ही है तो एक योग माया है प्रकृति के दो रूप योग माया भी है और भोग माया भी है तो भोग को करवाने की जो विवशता है यह भी प्रकृति देती है लेकिन प्रकृति अपनी ही नश्वरता का ज्ञान देकर कि संसार में सब कुछ नश्वर है संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है या प्रकृति अपनी ही नश्वरता का ज्ञान देकर अपनी ही नश्वरता समझाकर वह मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त का मार्ग भी प्रशस्त इसीलिए जीव के जितने भी कर्म हैं वह सब प्रकृति के वशीभूत ही हो रहे हैं प्रकृति के वशीभूत ही हो रहे हैं वश में ही हो रहे हैं इसीलिए प्रकृति के लिए कहा गया कि भोग अपवर्गम दृश्यम भोग अपवर्ग अर्थात कि भोग और अपवर्ग भोग और मोक्ष दोनों का प्रयोजन यह प्रकृति ही देती है दोनों का का जो साधन है प्रकृति ही बन जाती है लिए जीव का जो जीवन है जीव के जो कर्म है वह प्रकृति के वश में प्रकृति के अधीन ही होते हैं सब तो अधीन है जी हां तो प्रकृति हमें विवश करती है कि तुम भोगों को भोगो प्रकृति हमें विवश करती है कि तुम भोगों को भोगो प्रकृति हमें विवश करती है कि तुम सांसारिक कर्म करो ये कर्म करो वो कर्म करो ऐसे कर्म करो वैसे कर्म करो लेकिन उन्हीं कर्मों से मनुष्य बंधन युक्त तो हो जाता है और बंधन का अनुभव करता है कि संसार में तो बंधन है संसार में तो सुख है ही नहीं संसार में तो शांति है ही नहीं क्योंकि तो बंधन है बंधन तो बिल्कुल है मनुष्य की अनेकों मनोकामनाएं हैं मनुष्य की अनेकों इच्छाएं हैं और वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। वो बहुत ही अच्छी जिंदगी चाहता है वो चाहता है कि उसके पास हर चीज प्राप्त करने के लिए धन हो कम से कम वो अपनी जरूरतें पूरी कर ले कुछ लोग कहते हैं कि मुझे भगवान से ज्यादा नहीं चाहिए ये बस थोड़ा सा इतना मिल जाए कि कम से कम जो मैं जीवन जीना चाहता हूं वो मैं कर लूं मैं थोड़ा बहुत घूमना चाहता हूं तो घूम लूं मैं थोड़ा बहुत एक अच्छा सा कुछ जो जरूरी चीजें हैं उसको पूरा कर लूं लेकिन आप नहीं जानते ये जरूरतें बढ़ती जाती हैं जरूरतें बढ़ती जाती हैं संसार के लोगों की अनेकों समस्याएं हैं अनेकों समस्याएं अनेकों प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स की जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता बाहर से देखने में सब अच्छा लगता है और मनुष्य सब अच्छा करना चाहता है बाहर से देखने में सब अच्छा लगता है और मनुष्य जो है सब अच्छा करना चाहता है लेकिन फिर भी उसके जीवन में अनेकों समस्याएं हैं अनेकों प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसे लगता है कि भाई चीजें वैसे क्यों नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं चीजें वैसे क्यों नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं वस्तुएं वैसी क्यों नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं हम जैसा सोच के चलते हैं चीजें वैसे क्यों नहीं होती हैं ना मिले तो भी और मिल जाए तो भी दोनों ही परिस्थितियों ना मिले तो भी और मिल जाए तो भी दोनों ही परिस्थितियों में तब मनुष्य को लगता है कि नहीं भाई कुछ और चीजें समझना जरूरी है कुछ और जानना जरूरी है बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं जिनको हम नहीं जानते सूक्ष्म है सामने नहीं दिखाई देती है पिछले कुछ दिनों पहले एक युवक मिला उसने लव मैरिज की लव मैरिज करने के बाद प्रेम करने के बाद उसने प्रेम विवाह किया लव मैरिज की और जिस लड़की से लव मैरिज की वो किसी वह एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मॉडल है बहुत बड़ी ब्यूटी क्वीन है ब्यूटी क्वीन कहने का मतलब उसको अवॉर्डेड ब्यूटी क्वीन है हमारे देश के एक बहुत बड़े राज्य की वह ब्यूटी क्वीन है नाम नहीं ले सकता मैं राज्य का क्योंकि राज्य का नाम लेते ही फिर पर्सनल हो जाएगा थोड़ा सा लेकिन उनकी कहानी बताना चाहता हूं प्रेम विवाह हुआ मर्जी से विवाह हुआ पूरा गर्व है शादी पर कि मेरी बहुत बड़ी शादी हुई है मेरी बहुत अच्छी शादी हुई लड़का भी बहुत खुश लड़का भी बहुत प्रसन्न और शादी भी बहुत अच्छी हुई और एक तो सुंदर लड़की है ऊपर से वो ब्यूटी क्वीन भी है चलो अब दोनों ने अपनी जिंदगी शुरू कर दी लेकिन जिंदगी शुरू करते हुए अब जो है दोनों और ऐसा नहीं कि लड़का देखने में सुंदर नहीं है लड़का देखने में सुंदर है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है बीटेक है बीटेक करने के बाद उसने एमबीए किया एमबीए करने के बाद अपने फादर का भी बिजनेस संभाला और उस बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ाया हेलीकॉप्टर खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो वह जो है अब पैसा भी है अचानक से संपर्क हुआ और संपर्क करके उसने पूछा कि हमारी शादी के तीन साल हो गए हैं और मेरी पत्नी ऐसे है और ब्यूटी क्वीन है वो है तो मैंने कहा कि यार दिक्कत है भाई चलो अच्छी बात है जिंदगी अच्छी आपकी इतनी अच्छी शादी हुई लोगों की कहां हो पाती है आपने लव मैरिज भी की अपने पसंद से शादी की कई लोग नहीं कर पाते कई तो बेचारे शादी उनकी अपनी मर्जी से नहीं होती तो सुसाइड भी कर लेकिन वो लड़का कह रहा है कि सर जैसा मैं सोचता था कि ऐसा हमारा जीवन चलेगा लेकिन फिर भी वैसा नहीं जीवन पैसे की कोई कमी नहीं है क्यों अब क्या दिक्कत है चलाओ अब जो चल रहा है कहा कि नहीं जीवन वैसे चल नहीं रहा है और हम, हम मुझे लगता है कि हम दोनों का तलाक हो जाएगा क्यों तलाक क्यों हो जाएगा इतनी सुंदर पत्नी मिली है हर लड़का अपनी जवानी में सुंदर स्त्री की कामना करता है इतनी सुंदर तुमको पत्नी मिली है लड़की मिली है तुम अब और क्या चाहिए और तुमको पैसा रुपया पैसा सब तुम्हारे पास है ही तो वो बोला कि नहीं सर इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम है इनकम्पैटिटिव कैसे इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम तुम दोनों लोग देखने में सुंदर हो और दोनों ही अच्छे पैसे वाले हो तो इन कौन सी क्या मेंटल इनकम्पैटिबिलिटी उसने कहा कि मेंटल इनकम्पैटिबिलिटी भी है और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी है मैंने कहा कि देह के तो नहीं लगता रहस्य है रहस्य है बोला कि जी हां कर किसी को नहीं लगता लेकिन पिछले एक साल से वो अलग कमरे में सोती है मैं अलग कमरे में सोता हूं अब ये विचित्र बात है दोनों बहुत सुंदर हैं, दोनों बहुत अब अब प्रकृति अनेकों रहस्य प्रकट करती है वो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि कि प्रॉब्लम उसने कहा कि मैंने बहुत देखा बहुत रिसर्च किया इस टॉपिक पर तो अब रिसर्च कर रहे हो शादी के पहले रिसर्च कर लेते तो कहानी कुछ और होती और ज्यादातर लोग यही करते हैं शादी के बाद ही रिसर्च करते तो प्रकृति अपने भीतर अनेकों रहस्यों को छुपाए हुए है प्रकृति अपने भीतर अनेकों रहस्यों को छुपाए हुए है लेकिन हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा तो जीवन सुखी हो जाएगा शायद वैसा हो जाएगा तो जीवन सुखी हो जाएगा शायद ये कर लेंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा शायद वो कर लेंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा सत्य यह है कि आप ये नहीं जान पाते कि आपको करना क्या चाहिए आप ये नहीं समझ पाते कि आपको करना क्या चाहिए और आपका ज्ञान उस स्तर का होता ही नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए और ऐसी मैं तो एक घटना बता रहा हूं आपको लेकिन मेरे सामने तो ऐसे कई केसेस आ चुके हैं जहां पर लोगों ने अपनी मर्जी से शादियां की और फिर बाद में वो कहते हैं कि इनकम्पेटिबिलिटी और मैंने ऐसे जोड़े भी देखे शादी ब्याह के मामले में मैं बोल रहा हूं ऐसे जोड़े भी देखे हैं जिनकी उम्र हो गई है पैंसठ सत्तर साल लेकिन फिर भी उनके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है तो यह रिलेशनशिप बड़ी ही रहस्यमय चीज है और यह प्रकृति के मूल तत्वों से जुड़ी होती है फिर आपको लगता है कि कुछ रहस्यमयी बातें भी संसार में है जिसको हम नहीं जानते हैं इग्नोर हमें जानना चाहिए हमें समझना चाहिए ज्योतिष कैसे काम कर रहा है ग्रह क्या दिखा रहे हैं इनको भी देख लेना चाहिए इनको भी समझ लेना चाहिए तो इस तरह से ये सारी बातें हैं तो इनकम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आपने क्योंकि आप तो आपने एक ऊपर से एक आइडिया बना के रखा हुआ है कि हमारे पास इतने पैसे होंगे हमारे पास ये सहूलियत होगी वो सहूलियत होगी ऐसा होगा वैसा होगा तो हम ठीक हो जाए हमारे जीवन बड़ी अच्छा चल जाएगा आप नहीं जानते हैं यह प्रकृति अगर आपको टेंट देना चाहती है तो वो कहाँ से ला देगी ये बताना मुश्किल है अब भाई साहब की शादी बड़ी हो गई है लेकिन मेंटेन कर रहे हैं लेकिन फिर भी इच्छा नहीं है अब वो तलाक की सोचते हैं अब तलाक ले लोगे फिर क्या दोबारा शादी करोगे हालांकि अभी शादी करूंगा तो फिर दोबारा लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं करूंगा और बहुत सोच समझ के करूंगा अगर करना भी होगा तो बहुत समझ कर क्योंकि अब एक बार तो आदमी ने धोखा खा लिया तो लोगों के जीवन में ना जाने कैसी कैसी घटनाएं या प्रकृति कौन कौन सा खेल खेलता हो सकता है कि जो चीज़ आपको बहुत ही अच्छी लग रही हो आपकी आंखों में बहुत तो अच्छी लग रही हो हो सकता है कि बाद में आपको दुखदाई दुख का कारण बन जाए आपके और लगे कि ये चीज आपके लिए थी ही नहीं अब उन दोनों को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं हम दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं हमारी एनर्जीज अलग हैं तो ऐसा भी उनको लगना शुरू हो जाता है जी हाँ जीवन में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जीवन में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं। फिर, फिर हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं कि हम समझें कि जीवन कैसे चल रहा है किस तरह से चल रहा है कोई भी हो चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो सबके साथ प्रकृति का खेल है वास्तव में जो समस्या वो समझ रहा है समस्या कुछ और होती है और वो समस्या किसी और को बना के बैठा हुआ है वो करना कुछ और चाहता है हो कुछ और रहा है और उसे करना कुछ और चाहिए लेकिन उसकी इच्छा कुछ और है वो तो चाहता है कि ऐसे जीवन में हो जाए वैसे जीवन में हो जाए तभी तो जीवन का मजा है तभी तो जीवन अच्छे ढंग से चलेगा लेकिन अब ये नहीं पता है कि प्रकृति कुछ और ढंग से चीजें देगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन तुम उस ढंग से लेना नहीं चाहते हो तुम्हारी समस्या है कि तुम उस ढंग से लेना ही नहीं चाहते हो तुम तो अपनी मर्जी से लेना चाहते हो अपने हिसाब से लेना चाहते हो ठीक है जियो जिंदगी आज नहीं तो कल समझोगे अब दो प्रकार से लोग समझते हैं या तो मुसीबत अपने आने के पहले समझ जाए तो मुसीबत से रक्षा हो जाए नहीं तो मुसीबत आने के बाद समझ समझना ही है फिर।, फिर तो समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं है लेकिन तब बहुत कुछ बिगड़ चुका तब बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा तब बहुत कुछ समय भी हाथ से निकल चुका होगा इसीलिए हम अपने फिर जाकर मनुष्य जब देखता है कि भाई चीजें रहस्यमय ढंग से काम कर रही हैं अपने ढंग से काम कर रही हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं हम नहीं देख पा रहे हैं तब जाकर चीजें फिर फिर हम देखना शुरू करते हैं समझना शुरू करते हैं लेकिन अब देखने समझने के बाद भी आदमी स्वीकार ना करे चाहे कि भाई कोई हम मोल्ड कर दें कि हमारे हिसाब से चीज हम ग्रहों को ही मोल्ड कर दें वो कुछ जीवन के ज्ञान को प्रकृति के ज्ञान को समझने की कोशिश करता है फिर उसे लगता है कि हम तो बंधन में हैं, हम तो बंधन में हैं और वास्तव में मनुष्य को चाहिए क्या मनुष्य को चाहिए मनुष्य को मुक्ति चाहिए लेकिन वो मुक्ति की ओर बढ़ नहीं रहा है लेकिन उसे मुक्ति चाहिए यह बात भी प्रकृति का ज्ञान ही देता है। जब हम प्रकृति को समझते हैं तभी समझ पाते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए और फिर यही प्रकृति मोक्ष का साधन भी बन जाती है। फिर यही प्रकृति मोक्ष का साधन भी बन जाती है अब कैसे गांठ को समझोगे तो गांठ को खोलोगे गांठ नहीं समझ में आएगी तो गांठ भी नहीं खोल पाओगे उलझे रहोगे ताकत लगाते रहोगे खुलेगा ही नहीं उसे ताकत से खुलना नहीं है फिर जो टेक्निक से खोलना है गांठ बनी रहेगी गांठ नहीं खुलने वाली समझना पड़ेगा कि गांठ कैसी है तो इन्हीं गांठों को सुलझाने के लिए प्रकृति के रहस्य को बताने के लिए जितनी भी विद्याएं हमारे ऋषि मुनियों ने दी हैं वेदों के माध्यम से उपनिषद के माध्यम से चाहे वो वेदांग ज्योतिष हो और फिर कि भाई तुम समझो कि क्या चीजें कैसे चल रही हैं ये सब जुड़ी हुई हैं आपस में कनेक्टेड हैं वो बहुत कुछ बतला रही हैं समझा रही हैं तुम अपना जीवन समझो नहीं तो भुगतोगे इसीलिए यह रहस्यमयी विषय है रहस्यमयी जीवन है और हमें ये समझना जरूरी है कि हम इस गांठ को कैसे खोलेंगे तो युग का मार्ग इस गांठ को खोलने के लिए युग का मार्ग इस गांठ को खोलने के लिए है हमें उसी के अभ्यास से और स्वर योग समझाता है कि जीवन कैसे बंधा हुआ है त्रिगुणी माया में बंधा हुआ है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इसमें जीवन किस इस प्रकार से बंधा हुआ है हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन बंधा हुआ है तो स्वर योग का सिद्धांत यह समझाता है कि तुम्हारे जितने भी कर्म हैं तुम्हारे अंदर होने वाली घटनाएं और प्रकट होने वाली भावनाएं इन स्वरों से बंधी हुई हैं हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं स्वरों से बंधी हुई हैं हमारे जीवन कहने का मतलब हमारे व्यक्तित्व में हमारे शरीर में घटने वाली घटनाएं स्वरों से बंधी हुई हैं स्वर युग का विज्ञान बस यही है और वो आपको समझाता है कि आप पहले स्टडी करो देखो कि कैसे स्वर चल रहे हैं किस समय कैसे स्वर अपने आप चल रहे हैं कैसे स्वरों में परिवर्तन आ रहा है कौन कौन सा कर्म करने पर हमारे शरीर में कैसा परिवर्तन आ रहा है कौन कौन से विचारों को धारण करने पर हमारे स्वरों में कैसा परिवर्तन आ रहा है अगर एग्रेसिव थॉट्स बढ़ेंगे तो कौन सा स्वर चलेगा अगर इमोशनल थॉट्स बढ़ेंगे डिप्रेशन भय बढ़ेगा तो कौन सा स्वर चलेगा तो एग्रेसिव थॉट्स डिप्रेशन का थॉट्स ये सब चलेंगे तो फिर कौन सा स्वर बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा तो ये जो स्वर है अपने आप हमें बहुत कुछ बतलाते हैं तो अब स्वर विज्ञान वास्तव में वो गांठ है जिसको अगर हम समझ जाते हैं तो प्रकृति के प्रकृति के जो बंधन है उसको खोलना थोड़ा आसान हो जाए प्रकृति के बंधन को तोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा सरल हो जाएगा अगर हमने स्वर योग को समझ लिया तो जीवन के कई कार्यों को साधने में हमें सहायता मिलेगी जीवन के कई कार्यों को साधने में हमें सहायता मिलेगी तो स्वर विज्ञान प्रकृति का यह दिया हुआ जो गांठ है यह स्वर विज्ञान स्वर चल रहे हैं कीड़ा पिंगला दुश्मना चंद्रनाड़ी सूर्यनाड़ी अलग अलग कर्मों में अलग अलग भावनाओं में ये स्वर बोलते हैं इसीलिए सांसे बोलती हैं कि सासों का रहस्य है सांसे बहुत कुछ बतलाती हैं सांसे बतलाती हैं बहुत कुछ सासे जीवन का रहस्य समझाती हैं से हमारे हमें क्या करना चाहिए किस ढंग से करना चाहिए यह हमें समझाना शुरू कर तो इसीलिए श्वासें यह जो श्वास है यह अनेकों रहस्य को प्रकट करता है यह श्वास अनेकों रहस्य को प्रकट करता है जीवन के रहस्य को जो काम बिगड़ने वाले हैं वो भी बना सकता है नहीं तो हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है मोक्ष की ओर ले जा सकता है तो जीवन के विषयों को नियंत्रण करना जीवन के विषयों को समझना और जीवन की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना यह स्वर योग हमें दिखलाता है लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या स्वर योग से हम अपने कर्मबंधन को रोक सकते हैं जो तो कर्म हमें जो फल हमें कर्म का फल जो हमें भोगना है वो तो हम भोगेंगे ही कि हां जो कर्म का फल जो प्रारब्ध हमें भोगना है वो हम भोगेंगे ही तो फिर ये स्वर विद्या को जानकर क्या हो जाएगा या किसी ज्योतिष विद्या का भी सहारा लेकर या योग विज्ञान का भी सहारा लेकर क्या हो जाएगा जो कर्मों का फल हमें भोगना है वो तो भोगना ही है महानुभाव पहली बात एक बात समझ लीजिए योग का संदेश या योग मार्ग का संदेश या योग मार्ग की विद्या वो भी सही ढंग से सबको प्राप्त नहीं होती है यही चंद्रगुप्त ने कहा कि जो होना है वो हो ही जाएगा फिर प्रयास क्यों करना तो आचार्य चाणक्य ने कहा हो सकता है प्रयास करने से ही कुछ होने वाला हो ठीक है तो जिनको संदेश मिलता है वो भाग्यशाली लोग हैं और जो अनुसरण करते हैं या फिर जो उस विद्या को समझते हैं सीख लेते हैं जान लेते हैं वो उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हो जाते हैं ये वो जान लेते हैं समस्याओं को समाधान क्योंकि प्रकृति आपको दे रही है अगर प्रकृति ज्ञान नहीं देती तो हमारे ऋषि मुनियों को स्वर योग का भी ज्ञान नहीं होता भगवान शिव ने जो स्वर योग का ज्ञान माता पार्वती को दिया वो भी नहीं होता या ध्यान योग भी नहीं होता प्राकृतिक चिकित्सा भी नहीं होती फिर तो योग भी नहीं होता इसलिए तो कहा गया प्रकृति मोक्ष का कारण है प्रकृति मोक्ष का साधन बनती है और मोक्ष की ओर भी हमारे जीवन को अग्रसर कर देती कल्याण की ओर भी तो हो सकता है कि हमारे इस ज्ञान से हमारी सांसारिक समस्याएं दूर हो जाएं। कि जब कर्म का फल मिलता है तो किसी ना किसी माध्यम से मिलता है गुरु शंकराचार्य के जीवन में कहते हैं कि आठ वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु थी लेकिन अगर संन्यास योग हो गया तो मृत्यु टल जाएगी अगर सन्यास योग हो गया अगर बालक ने सन्यास ले लिया आठ वर्ष की उम्र में आठ वर्ष की उम्र में कोई सन्यास नहीं लेता लेकिन अगर बालक ने आठ वर्ष की उम्र में सन्यास, सन्यास ले लिया तो मृत्यु टल जाएगी तो गुरु शंकराचार्य ने आठ वर्ष की उम्र क्योंकि तो उसी से ये होना था उनके प्रारब्ध में यही था कि उन्हें अभी आगे लंबा जीवन जीना है हालांकि बहुत लंबा जीवन उनका नहीं था बत्तीस वर्ष की उम्र तक उपलब्ध थे इस भूमि पर हरा धाम पर लेकिन समझने वाली बात क्या है ये किस माध्यम से हुआ तो आपको भी कई शुभ परिणाम मिलने हो सकते हैं जब आप स्वर योग को जान जाओ इसी माध्यम से कई कर्मों का रुकना होगा और नहीं तो फिर उगना होगा तो यह प्रक्रिया चलती है तो प्रकृति ऐसी चलती है तभी हम प्रयास करते हैं हम कर्म करते हैं नहीं तो बैठे रहना जो आना है अपने आप आ जाएगा जो जाना है अपने आप चला जाएगा नहीं जैसे जैसे हमें प्रकृति का ज्ञान होता है यद्यपि प्रकृति विवश करती है कर्म करने के लिए कर्म करते ही हैं और हम प्रयास करते ही हैं लेकिन यही प्रकृति है जो हमसे कर्म करवाकर हमें ज्ञान देकर हमें मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त यही प्रकृति है जो समझाती है कि भाई चीजें वैसे नहीं हैं कुछ लोगों को पहले समझा देती है वो भाग्यशाली लोग हैं और कुछ लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है मैं अपने जीवन की बात करूं तो मुझे भी कई बातें तब समझ में आई जब मैंने मुसीबतों को देखा जब मैंने मुसीबतों को झेला अगर पहले समझ में आ जाती तो वो मुसीबतें भी जीवन में नहीं आती उस तरह की समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता जीवन में ठीक है तो इसलिए यह विचारणीय है और हमें इसको समझने की आवश्यकता है तो प्रकृति का यह बंधन या दुखदायी बंधन या कभी कभी सुख भी पैदा कर देती है क्षणिक रूप में तो वो एक अलग बात है तो प्रकृति का जो यह बंधन है या जो दुखदायी बंधन है यह जो विषय है इसके बंधन को हमें तोड़ना है हमें कुछ प्राप्त करना है जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना है तो हमें यह स्वर योग का जो साधन है स्वर योग का जो ज्ञान है यह बहुत ही अद्भुत है यह बहुत ही लाभदायी है बहुत ही कल्याणकारी है कई रहस्य प्रकट करती हैं हमें इन श्वासों के रहस्य को समझना चाहिए जानना चाहिए और जब हम जानते हैं तो अपने जीवन की कई समस्याओं को दूर करते हैं अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं तो स्वर योग तो है इसे समझना है और इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं उन्नीस तारीख से क्षमा करें उन्नीस गलती से बोल दिया दो तारीख से दो सितंबर अमावस्या अमावस्या तिथि है दो सितंबर सोमवार तो की अमावस्या है बहुत ही पुण्य दिन माना जाता है सोमारी अमावस्या तो मवती अमावस्या या भाद्रपद की अमावस्या को सती अमावस्या कहा जाता है तो इस तरह से यह अमावस्या की तिथि दो सितंबर से यह कोर्स प्रारंभ हो रहा है स्वर योग का कोर्स आप इस कोर्स से जुड़कर ज्वाइन कर कर आप अत्यंत लाभ उठा सकते हैं कब कौन सा स्वर चल रहा है कब दाहिना चल रहा है कब बायां चल रहा है चल रहा है तो क्या अगर मान लीजिए कि बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है डिप्रेशन हो रही है तो हम क्या करें जिससे कि हम से बच पाए कैसे हम स्वरों पे नहीं स्वर योग का ज्ञान है लेकिन अभ्यास के द्वारा इस पर नियंत्रण आता है जितना अभ्यास करेंगे उतना नियंत्रण आएगा उतनी चीजों को आप कंट्रोल में लेते हैं तो स्वर योग का यह ज्ञान है स्वर योग हमारे जीवन को सरल बनाने में हमारे जीवन को सुखद बनाने में और जीवन को जीवन के ज्ञान को प्रकट करने में और जीव और मोक्ष की ओर ले जाने में अत्यंत सहायक है और साधना में भी सहायक है ध्यान योग में भी सहायक है जिन्होंने ध्यान योग किया वो स्वर योग से कई गुना लाभ उठाएंगे और जो स्वर योग करेंगे वो ध्यान योग से आगे कई गुना लाभ उठाएंगे लाभ बढ़ जाता है तो यह स्वर योग का विषय यह स्वर योग का ज्ञान अत्यंत लाभकारी है आप इससे लाभान्वित होइए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए तो दो सितंबर से यह शुरू हो रहा है ज्वाइन कर सकते हैं आज इकतीस अगस्त हो गया है तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी दो दिन बाकी है दो सितंबर शुरू होने में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़कर कैसे जुड़ना है आप दिए गए नंबर पर इसमें नंबर दिया गया है नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन नंबर पर आप संदेश भेजें मैसेज करें आपको सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा कौन सा नंबर है यह नंबर है नाइन डबल सिक्स एट जीरो टू फोर फाइव नाइन मैसेज भेजेंगे तो आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा कि स्वर योग का ज्ञान आपको दिया जाएगा आपको बताया जाएगा कि स्वर योग से हमें कैसे लाभ आना चाहिए और इसकी डिटेल्स कैसे ज्वाइन करना है सशुल्क है जी निःशुल्क नहीं, नहीं है सशुल्क है दक्षिणा है कुछ लेकिन एक साधारण व्यक्ति पे कर सकता है जिज्ञासु है इच्छुक है तो उतना वो पे कर सकता है तो वो दक्षिणा आप पे कर, कर ही आप जो है इसको ज्वाइन करेंगे और यह बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान है बहुमूल्य नॉलेज है आप इसको जीवन को सरल बनाने में और को कल्याण के मार्ग पर ले जाए चलिए इसके साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स भी देखेंगे संतोष कुमार जी अनुज सिंह जी गीता जी, मधु माधुरी कोले बिक्रम सिंह गंभीर शाह जी शेखर शा शर्मा जी विनोद कुमार सि जी ज्ञानेन्द्र भाठी जी मनोज शर्मा जी दीपक शर्मा जी अमन कक्कर जी मुकेश खैरनर जीज सैन जी हिमसुनार नथु सिंह रामा तिवारी जी रामा तिवारी रतन सिंह जी गोविंद प्रसाद नीमा व्यास सिंह जी वैद्य जी बहुत अभिनंदन है आप सभी का चंद्रभान सिंह जी घनश्याम सरोदे जी नरेंद्र माकुड़े राजू पाल पारजी जी, जी मुकेश प्रसाद राम प्रकाश जी पलकधारी जीका शर्मा जी जी जीताराम माली जयंत भाई जयंती भाई पटेल ईलाल यादव कन्हई कुमार जी मुकेश प्रसाद जी चर्चा बहुत ही अच्छी लगी आपको शायद जी हाँ प्रकृति का जो जीवन का सत्य है लोगों के जीवन में जब घटित होता है तो वो आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता लेकिन है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जानते हैं क्या है कि जो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए वो स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं होगा कई बार प्रकृति ठीक है ज्योतिष तो का सहारा लेकर हम कई चीजों को प्रकट करने की कोशिश करते हैं लेकिन पता चलता है आदमी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है फिर अगर कर लिया कई चीजों को तो फिर जीवन अलग ढंग से चलना शुरू हो जाए चौबीस तत्व प्रकृति के हैं क्या और पच्चीस तत्व हाँ, ये तो पहले भी बता चुके हैं कविता नायक जी मना भाई ठाकुर जी पूनम सेठी जी यूनिवर्सल क्या एग्जिस्ट करता है जैसे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बिल्कुल करता है बिल्कुल करता है यूनिवर्सल मन देखिए अब यहाँ पर एक बात यह है यूनिवर्सल मन तत्व रूप में एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन जैसे ही आप तत्व रूप में जाएंगे तो तत्व क्या है तत्व तो बुद्धि ही है ठीक है तत्व तो बुद्धि ही, ही हो गई ना फिर वहां पर तो मन जो है लोगों के अपने विचारों पर सबके विचार अलग अलग हैं सबके विचार अलग अलग हैं तो इस कारण से सबका मन भी अलग अलग हो जाता है ठीक है तो क्योंकि मन की निर्भरता है बुद्धि तत्वों पर तो हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल मन एग्जिस्ट करता है हां मन एग्जिस्ट करता है अगर आप सिर्फ मन को मानते हैं अगर आप कहते हैं कि नहीं बुद्धि चित्त सब मन ही है तो फिर मन एग्जिस्ट करता यूनिवर्सल यु। लेवल पर नहीं तो बुद्धि ही एग्जिस्ट करती है ठीक जैसे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है वैसे मात्र यूनिवर्सल इंटेलिजेंट ही एग्जिस्ट करती है और वह जो इंटेलिजेंस है वही माइंड को डेवलप कर देती वो मन को विकसित कर देती इसलिए अहंकार मन विकसित होते हैं ठीक ये समझने की आवश्यकता और मन की स्थिति हमेशा एक जैसी तो होती नहीं एक, एक आधार पर हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि यूनिवर्सल आपने अगर रियलिटी में बुद्धि का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये प्रश्न अपने आप नहीं बनेगा फिर क्योंकि तो सारी चीजें बुद्धि से ही विकसित हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं।, हैं। बुद्धि ही अहंकार को जन्म दे रहा है बुद्धि ही मन को जन्म दे रहा है तो जब वो यूनिवर्सल है वो काम कर रहा है तो आप कह सकते हो अब मान लीजिए कि भाई बाढ़ आ गया कहीं पर या पर कहीं पर बहुत सुंदर फूल खिल गए तो वहां प्रकृति का मन था कि फूल खिल गए फूल फूल खिल भूल खिल गए पर वहाँ पर इंटेलिजेंस ने काम किया तो जब बुद्धि इंटेलिजेंस जब काम कर रही है उस हिसाब से मन भी आ जाएगा उसी उसी सीक्वेंस में आ जाएगा ठीक है अब इस विषय को समझना कैसे वास्तव में आप अब यह समझिए कि टॉपिक समझे कैसे अब एक टॉपिक समझने का यह है कि ऐसा बताया गया तो हम इमेजिन करते हैं कि अच्छा यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है अच्छा तो फिर ये है अच्छा तो फिर ये लेकिन ये तरीका है समझने का इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी और एक तरीका है कि ये ध्यान में हम लीन हो। हम उसे यूनिवर्सल तक पहुंचते हैं वो थोड़ा कठिन मार्ग है वो रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है ये इमेजिन करना तो बहुत आसान है लॉजिकल इमेजिनेशन करना ऐसे है वैसे है लेकिन ध्यान योग करके गहराई में यूनिवर्सल लेवल पे पहुंचना वो एक अलग बात है लेकिन रियलाइजेशन तभी होता है जब हम ध्यान योग के माध्यम से हाँ बाकी हमें यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के प्रूफ मिलते हैं प्रमाण मिलते हैं कि भाई कोई इंटेलि इंटेलि इंटेलिजेंस है जो ग्रहों की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है जो कर रही सब कुछ वो कर रही है तो दो वो प्रकृति की अपनी इंटेलिजेंस तो, और हमारा जो ब्रेन है वो अलग से थोड़ी ना आ गया ये तो प्रकृति का ही हिस्सा है वो कोई अलग से हाँ हमें कितना भी अनुभव हो कि हमारा अस्तित्व है हम कुछ हैं लेकिन वास्तव में जो ब्रेन हमारा जो बुद्धि जो काम कर रही है वो प्रकृति का ही हिस्सा है नेचर का ही पार्ट है वो तो जब वो नेचर का पार्ट है इसमें इट मीन्स कि नेचर में भी इंटेलिजेंस है तो इस तरह से वैज्ञानिक विवश हुए मजबूर हुए कि एक नेचुरल इंटेलिजेंस काम करता है ठीक है लवकुश वर्मा जी बिमला शाह जी रमेश पेशवानी जी गुरु भक्ति कर्म का तो करना ही होगा ध्यान योग जनरल लोगों को मुक्त क्यों नहीं मिलेगा स्पेशल लोगों को मोक्ष मिलता है क्या स्पेशल लोग कौन होते हैं जनरल जो होते हैं वही स्पेशल बनते हैं बाद में कुंडली विश्लेषण का चार्ज ग्यारह सौ वास लांडे जी पूनम सेठी जी गुरु भक्ति जी ध्यान योग से क्या ग्रह को शांत किया जा सकता बिल्कुल किया जा सकता बिल्कुल जीवन में अब ज्योतिष की बात करें तो चलो मैं कभी किसी और व्याख्यान में परसों के व्याख्यान में मैं देखता हूं मैं इस पर चर्चा करूंगा ज्योतिष तो जीवन में जो तो है कुछ ग्रह होते हैं वो ब, बस ध्यान योग से ही ध्यान योग से ही उनका समाधान होता है बुद्धि कहती है मुझे यह ज्ञान हो रहा है फिर यह ज्ञान मुझे हो रहा है अहंकार और फिर इस ज्ञान के अनुसार मुझे कार्य करना है यह मन है शायद महावीर जी सर श्रीमद भागवत गीता आध्यात्मिक व्याकरण है जय श्री चलिए यह सब बातों को एक से सब और आगे बढ़े इसी के साथ में विराम दूंगा विचारों को कल फिर मिलते हैं 9 पीएम लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी